दोस्तों आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कुर्ती के फ्रंट में नेक डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। और इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर अपना एक मैचिंग कपड़ा चेक्स में लिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों नॉर्मल तरीके से हमने प्लेन कपड़े पर कुर्ती की कटिंग कर ली है। और अब इसके बाद दोस्तों हम अपनी नेक की ड्रॉ करेंगे पेपर फ्यूजिंग पे। तो दोस्तों हमारी पेपर फ्यूजिंग की जो लंबाई है वो है 16 इंच और चौड़ाई जो है वो है 13 इंच मतलब कि 13 इंच। इसके बाद हमारे नेक की जो ब्रॉडनेस है वो है 7 इंच, तो 7 इंच का हाफ करके 3.5 पर हम यहाँ पर मार्क लगा लेंगे। और इसके बाद हमारे नेक की जो लंबाई है वो है 4 इंच। और यहाँ से हम अपनी एक राउंड शेप इस प्रकार से दे देंगे अंदर। ये देने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इस निशान से नीचे की तरफ एक 4 इंच पे निशान लगाना है। और 4 इंच पे निशान लगाने के बाद में आपको इस निशान से यहाँ तक एक शेप देनी है इस प्रकार से वी। ये देखिए, तो ये हमने अपनी शेप दे दी है। अब इसके बाद ऊपर से हम नीचे तक एक निशान लगाएंगे पूरा 14 इंच पर, जहाँ तक आपकी कुर्ती में कमर होती है। अगर आपकी कमर 14.5 पे है तो 14.5 पर भी आप लगा सकते हैं। तो ये हमने अपने यहाँ पर एक निशान लगा दिया है और इस निशान से हम ऊपर की तरफ एक शेप देंगे इस प्रकार से। देखिए, ये देखिए। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस निशान से बाहर की तरफ हम 0.25 इंच पर मार्क लगाएंगे मतलब कि 1-1/4 इंच। और इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस निशान से जो हमने लगाया बाहर वाला 0.25 इंच मतलब कि फिर बाहर निशान लगाएंगे इसी तरीके से जैसे ये वाला लगाया है। तो दोस्तों ये हमारी मार्किंग हो गई कंप्लीट। और अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग हम जो करेंगे वो सेम मार्क पर ही करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट नेक है वो इस प्रकार से कट गया है। तो पहले हमारा देखिए दोस्तों ये वाला नेक आएगा, फिर उसके बाद इसका छोटा वाला नेक आएगा और फिर उसके बाद ये हमारा बड़ा वाला नेक आएगा। तो दोस्तों अब हम अपने नेक को किस प्रकार से चिपकाएंगे पहले अब ये जान लीजिए। दोस्तों ये जो हमारा अंदर वाला नेक है इसे तो हम चिपकाएंगे अपने मैचिंग कपड़े पर, इस देखिए इस पे। और इसके बाद अपने इस वाले कपड़े को, इस बुकरम को, इसको हम चिपकाएंगे अपने प्लेन कुर्ती के कपड़े पर। और इस वाले को हम चिपकाएंगे अपने फिर से मैचिंग कपड़े पर। तो ये हम इस प्रकार से चिपका लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने बड़े वाले नेक को एक मैचिंग कपड़े पर चिपका लिया है। और उसके बाद दोस्तों हमने अपने छोटे वाले नेक को कुर्ती के सेम कपड़े पर चिपका लिया है और थोड़ा थोड़ा कपड़ा ऊपर की तरफ हमने फोल्ड कर दिया है। और इसके बाद जो आता है छोटा वाला नेक इसके बाद, तो ये देखिए छोटे वाले नेक को भी हमने अपने मैचिंग कपड़े पर चिपका लिया है। अब हम सबसे पहले बीच वाले नेक को तैयार करेंगे। तो नेक को तैयार करने के लिए हम अपनी कुर्ती को कुछ इस प्रकार से खोलेंगे और खोलने के बाद में इसको देखिए उल्टा करके बिछाएंगे। और उल्टा करके बिछाने के बाद में पहले तो हम अपनी कुर्ती के बीच सेंटर में इस तरीके से एक कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद में इसके ऊपर हम इस तरीके से अपने नेक को बिछाएंगे। और नेक को बिछाने के बाद में सबसे पहले बीच सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगाएंगे और फिर पेपर फ्यूजिंग के बराबर बराबर गोलाई में सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और अब इसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर का कपड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के साथ साथ हमने अपनी गोलाई पर कुछ नोचिस भी लगा दिए हैं, जिसकी वजह से हमारा ये नेक सीधी तरफ अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगा। अब हम अपने नेक को सीधी तरफ फोल्ड करेंगे और फिनिशिंग के साथ दोस्तों प्रेस लगा लेंगे पहले। तो ये देखिए दोस्तों हमने अपने नेक पर फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा ली है। और इसके बाद दोस्तों हम अपने बड़े वाले नेक को तैयार करेंगे। तो दोस्तों बड़े वाले नेक को तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ये अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है इस कपड़े को दोस्तों आपको बिल्कुल पेपर फ्यूजिंग से मिलाकर कटिंग कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने नेक के बीच का कपड़ा काट दिया है और नीचे एक कपड़ा रख के इसको इस तरीके से सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, बाहर की तरफ
पेपर फ्यूजिंग के बराबर बराबर बिल्कुल गोलाई में सिलाई लगा देनी है। और इसके बाद जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे, और अंदर की तरफ वाला जो कपड़ा है इसको भी हम अपनी पेपर फ्यूजिंग से मिलाकर ही कटिंग कर देंगे। और कपड़ा काटने के बाद में दोस्तों हम अपने इस नेक को इस तरीके से पलट देंगे, देखिए। और पलटने के बाद में फिनिशिंग के साथ दोस्तों इस पर प्रेस लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पर फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा ली है और बीच सेंटर में एक चाक का निशान भी लगा दिया है। इसके बाद हम अपने इस नेक को कुर्ती में अटैच करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए, इसको अटैच करने के लिए भी हमने यहाँ पर अपने नेक में बीच सेंटर का निशान लगा लिया है। और इसके बाद हम अपने इस नेक को अंदर की तरफ इस तरीके से क्वार्टर इंच कर देंगे। और क्वार्टर इंच अंदर करने के साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पर अपनी कन्नी की सिलाई शुरू से लेकर आखिर तक लगाएंगे नेक को क्वार्टर इंच अंदर करते हुए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने आधे नेक को इस तरीके से अटैच कर लिया है और थोड़ा नेक आपका ऊपर की तरफ इसी तरीके से निकलेगा, आपको इसको काट देना है। और अब इसी तरीके से दोस्तों हम सेम इस साइड पर भी नेक को पैक कर देंगे अंदर की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ अपने इस वाले नेक को अटैच कर दिया है, और अटैच करने के बाद में देखिए इसका लुक जो है बहुत ही खूबसूरत आ गया है। और अब इसके बाद दोस्तों हम अपने छोटे वाले नेक को तैयार करेंगे। तो दोस्तों, इस नेक को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो ये आपकी बाहर वाली शेप है इस शेप से एक पॉइंट हटकर सिलाई लगानी होगी अलग कलर के धागे से, जो कि चमके। तो देखिए, यहां पर हमने अपने नेक के अंदर और बाहर दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो आपकी वी शेप नजर आ रही है अब आपको साफ साफ, इस पे आपको क्या करना है, इस प्रकार से तीन निशान लगा लेने हैं। देखिए, एक शुरू में और एक बीच में और एक थोड़ा इधर की तरफ, ये देखिए। अब आपको इन निशानों को सेम इसी तरह यहाँ पर भी लगा लेना है। और इसके बाद दोस्तों आपको छोटे छोटे डोरी के पीस लेने हैं। डोरी आप अपने हिसाब से रेडीमेड लेना चाहें तो रेडीमेड भी ले सकते हैं, और बनाकर लगाना चाहें तो बनाकर लगा सकते हैं। अब इस प्रकार से हम अपनी डोरी को फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद में ये जो गोल वाला हिस्सा है इस हिस्से को हम रखेंगे नेक से बाहर की तरफ, और जो मार्जिन वाला है इसे अंदर की तरफ, ये देखिए। यहाँ पर ध्यान रहे, ये आपका जो लूप है सिर्फ क्वार्टर इंच का ही बाहर की तरफ नजर आना चाहिए, इस हिसाब से आप लगाएं इसे। तो हम इस तरीके से 6 के 6 लूप यहाँ पर अटैच कर देते हैं। तो ये हमने अपने लूप अटैच कर दिए हैं। और अब इसके बाद दोस्तों हम लेंगे एक कपड़ा, इस कपड़े पर हम अपने नेक को इस तरीके से रखेंगे, और रखने के बाद में सेम पेपर फ्यूजिंग के बराबर बराबर सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों इसके अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए। और अब हम अपने इस नेक को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे सीधी तरफ, देखिए। और फोल्ड करने के बाद में फिनिशिंग के साथ दोस्तों इस पे हम प्रेस लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमने अपने नेक पर फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा ली है, और नीचे वाले कपड़े को हमने बराबर करके मिला के कटिंग कर दिया है। अब इसके बाद हम अपने इस छोटे वाले नेक को बड़े वाले नेक में इस तरीके से अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए दोस्तों हमने जो अपने हरे कलर के धागे से सिलाई लगाई थी, इस सिलाई को छुपाते हुए ऐसे हम अपने इस नेक को नीचे वाले को अटैच कर देंगे कुर्ती में। तो देखिए दोस्तों, पैच को अटैच करने के बाद में हमारे नेक का जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। लेकिन इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखिए, आपकी बाहर वाली साइड कुछ इस प्रकार से खुली हुई है, यहाँ पर भी आपको अपनी एक सिलाई लगा लेनी है। तो हम यहाँ पर अपनी सिलाई लगा लेते हैं, और ये जो अंदर की तरफ आप अपनी लूप देख रहे हैं इनमें भी आपको यहाँ पर डोरी डाल लेनी है। तो हम यहाँ पर आपको फाइनल लुक बताते हैं किस प्रकार से आएगा इसका। तो देखिए दोस्तों, सिलाई लगाने के बाद में हमने यहाँ पर अपने नेक में डोरी भी डाल ली है, और डोरी डालने के बाद में नेक का जो फाइनल लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये डिज़ाइन हुआ पूरा। आपको हमारा आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया
तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहां पर आपको हमारे सारे डिजाइंस एक साथ देखने को मिलेंगे और कुछ अलग तरह के डिजाइंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।